YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। लातेहार जिले के हेरहंज प्रखंड अंतर्गत बिजरा के ग्रामीणों ने विद्यालय विलय का कड़ा विरोध किया है। तल्ख अंदाज में ग्रामीणों ने कहा कि विद्यालय में 250 बच्चे पढ़ते हैं और विलय का तरीका एकदम गलत है। कहा, बंद कमरों में बैठकर विद्यालय विलय संबंधी निर्णय ले लेना बिजरा स्कूल के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। बिजरा के ग्रामीणों ने लातेहार उपायुक्त से बिजरा विद्यालय जल्द से जल्द सुचारू कराने की मांग की है। बिजरा में रहे और हम लोग का बच्चा भी सरकार स्कूल में जाने से इनकार है। बच्चा छोटा बच्चा है, दिक्कत होता है। कितने बच्चे पढ़ते थे यहाँ पर? 240 बच्चे। हमारा छोटा छोटा बच्चा है, उतना दूर नहीं जा पाएगा। 250 ऊपर है। और रास्ता में अगर गाड़ी उड़ी कुछ अच्छी हो जाएगा बच्चा तो यहाँ भी बंद हो गया बच्चा स्कूल में। तालाब है सामने, सरकार में गया बच्चा मगर एक भी बच्चा यहाँ से वहाँ नहीं गया। कोई जाने जाने खोज रहा है। यही मांग कर रहे हैं कि हमको विद्यालय बचना चाहिए, अन्य तो अथा हम रोड में जाम या आने वाला समय में उनको साथ। यहाँ पर कितने और 200 हाँ उपस्थित 240 बच्चे हैं और शेर का विलय होके आ रहा था बिजरा में। बिजरा वाला जब लास्ट हो गया तो जिला वाला है सचिव कर दिए बिजरा वाला का विलय कर दिए स्कूल कर दिए जी। और उसी में हम लोग कम से कम 15 दिन से तबाह होते होते लास्ट में आश्वासन नहीं दिए और ट्रांसफर भी उन्होंने हो गए। अभी तक कोई आश्वासन नहीं पूरा हो।